हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश भसीन। वेलकम बैक टू दिस चैनल द इन्वेस्टर लॉजिक। सो गाइस, आज की मार्केट बहुत अच्छी रही थी। शुरुआत में हम लोगों ने एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है ना, आफ्टर दैट लास्ट मार्केट आर में हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। अब मार्केट में किस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे, तो टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी जब मार्केट ओपन हुई थी मैंने आपको तुरंत ही बता दिया था कि निफ्टी का 16,410 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है, और अगर वहां पर आ जाता है तो प्रीवियस जब हम लोगों ने बाय करा था आपको अपनी सारी प्रॉफिट बुकिंग कर देनी है। उसके बाद आपको होल्ड नहीं करना, चाहे वो ब्रेकआउट दे या नीचे जाए, आपको कोई ट्रेड नहीं लेना होगा, जस्ट आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसके अलावा 34,850 के आसपास भी मैंने आपको बताया था कि वहां पर भी एक मेजर रेजिस्टेंस है, वहां पर अगर ब्रेकआउट भी होगा मार्केट पे तो वो फॉल्स ब्रेकआउट होगा। सो अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो आप जाके ज्वाइन करो, बिकॉज वहां पर मैं ऐसे अपडेट्स देता हूं जो आपको डेफिनेटली मार्केट में लॉस होने से बचा सकता है। सो आज बहुत सारे लोगों के मेरे पास आंसर्स आ रहे थे कि सर हमने डेफिनेटली वो वॉइस नोट आपका सुना एंड हम लोगों ने ट्रेड ब्रेकआउट पे नहीं लिया एंड आफ्टर दैट एक बड़ा ही सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। सो चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। आज मैं सिर्फ दो स्टॉक्स की बात करने वाला हूँ बिकॉज मार्केट डेफिनेटली अभी भी अनसर्टेन है। ये मेक और ब्रेक इवन लेवल होने वाला है ये पर्टिकुलर हफ्ता, क्योंकि इस हफ्ते के बाद डिराइव होने वाली है मार्केट की नेक्स्ट पोजिशन। क्या बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने निफ्टी का अभी सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम ओपन करवाया है। आप सिर्फ एक बार डाटा को समझना, जो अभी लास्ट टू लास्ट वीक हुआ है वो एग्जैक्टली सेम डाटा फुलफिल करेगा। आप देख सकते हैं कि ये एक बॉटम है, इस बॉटम पे एक बेयरिश कैंडल थी, आफ्टर दैट एक गैप अप दिखा गया और एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी। उसके बाद हम लोगों ने देखा अगेन एक डोजी कैंडल हम लोगों को देखने को मिली है। आप देख सकते हैं डोजी या फिर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल हम लोगों को देखने को मिल सकती है एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट वीक एक बहुत ही बड़ा गैप डाउन हम लोगों को देखने को मिला था। अगर आप इसी स्ट्रक्चर को यहां पर रिपीट करोगे, एक बियरिश कैंडल, एक बहुत बड़ा गैप अप जो यहां पर गैप अप देखने को मिला, कैंडल भी बहुत अच्छी थी, और एग्जैक्टली ये जो सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है एग्जैक्टली यहां पर भी सेम स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा फॉलो करा है, यहां पर बस एक डिफरेंस है। ये जो स्ट्रक्चर बना था ये बना था लास्ट थर्सडे और फ्राइडे को, और ये जो स्ट्रक्चर बना है ये आज इस मंडे को बना है जब मार्केट ऊपर हुई है। सो क्या हो सकता है कि मार्केट ना एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकती है। वो रेंज हो सकती है ये रेंज जो कि 16,400 से लेके 16,100 के बीच में हम लोगों को एक रेंज देखने को मिल सकती है। अगर एग्जैक्टली जो ये थ्री कैंडल्स ने फॉर्मेशन करी है, अगर एग्जैक्टली इसको भी यही फॉर्मेशन करना है तो इसको इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और इन दी एंड क्लोजिंग भी यहीं पर देखने को मिल। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ना वीकली टाइम फ्रेम एक बहुत बड़ा रिजेक्शन देखने को मिला जो पास्ट में हमें 3-4 बार देखने को मिल चुका है। चलिए कोई बात नहीं, अब एक बार ऊपर कर लेते हैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम एंड ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम लेट्स स्टडी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल रेजिस्टेंस है यहाँ पर हम लोगों को फेस करने को मिल रहा है एग्जैक्टली एट दिस लेवल पे। अब जो सबसे बढ़िया सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है दैट शुड बी अराउंड 16,150 का। अभी राइट नाउ ट्रेडिंग एट, अगर आप चेक करोगे तो राइट नाउ ट्रेडिंग एट 16,210, बट यहां पर अगर आप चेक करोगे तो ये लेवल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी लेवल से मल्टीपल सपोर्ट्स लिए गए हैं, रेजिस्टेंस फेस करे गए हैं, ब्रेकआउट्स दिए गए हैं। सो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली और लोअर लेवल्स भी हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। बट आई पर्सनली सजेस्ट यू कि मार्केट अगर एक ऊपर की तरफ मोमेंटम करती है और उस लेवल पे एक फॉल आती है तो हम अपना एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। बट यहां पर आपको एक बात समझनी, मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि मार्केट अगर वही एग्जैक्टली उस अनसर्टेनिटीज को फॉलो करेगा जो अभी पास्ट फ्यू वीक्स में हमें देखने को मिली है तो मार्केट में डेफिनेटली इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकती है और हम बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी दोनों जगह मना सकते हैं। एक बार स्टडी कर लेते हैं जरा ओपन इंटरेस्ट का डाटा निफ्टी का, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 16,100 पे जो कि मैंने लेवल बोला जो एक सपोर्ट है इस रेंज का, उसके नीचे बहुत बड़ी फॉल आ सकती है। वहां पर हैवी पुट का ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है पुट राइटर्स का। इसके अलावा एग्जैक्टली उसी लेवल पे कॉल राइटर्स एग्जिट कर चुके हैं आज की मार्केट में। 16,300 पे भी पुट राइटर्स ने अपनी सारी पोजीशन को अनवाइंड कर लिया है और कॉल राइटर्स एक्टिव है अभी भी, सॉरी पुट राइटर्स एक्टिव है, कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन को अनवाइंड कर लिया है। आई थिंक निफ्टी का डाटा मुझे अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा एडिशन हुआ है अकॉर्डिंग टू द पुट राइटर्स, बट प्रीवियस कॉल राइटर्स भी अनवाइंड हुए हैं जो कि एक अच्छी बात है। सो मेरे हिसाब से मार्केट बाय ऑन डिप्स टू सेल ऑन राइज दोनों अपॉर्चुनिटी में काम कर सकती है, और यहाँ पर मार्केट इस हफ्ते सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा गंवाया जा सकता है। सो बहुत सेफली ट्रेड करिएगा। अब एक बार बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में भी सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। लेट्स मूव टू वीकली टाइम फ्रेम, आप यहाँ पर क्लियरली स्टडी कर सकते हैं। ओके जस्ट लेट मी शो यू ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, आप यहाँ पर क्लियरली स्टडी कर सकते हैं मल्टीपल रिजेक्शन एट दिस पर्टिकुलर लेवल। आज का हाई भी 30
4820 था एंड एग्जैक्टली 34820 का ही आपको रेजिस्टेंस बोला गया था कि वहां पर ब्रेकआउट आएगा. लेट मी ओपन अ 2 मिनट्स टाइम फ्रेम. ऑन अ 2 मिनट्स टाइम फ्रेम एज यू कैन सी इट हियर, इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल. और इस लेवल पे मल्टीपल टेलीग्राम चैनल्स ने, मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि सर मल्टीपल टेलीग्राम चैनल्स ने यहाँ पर एक बाय सजेस्ट करा है और CNBC आवाज तक यहाँ पर एक बाय सजेस्ट कर रही है, तो क्या करें. आई डेफिनेटली सजेस्ट यू ऑन अ वॉइस चैट कि आप लोगों को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना, बिकॉज ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है. फॉल्स ब्रेकआउट आपको मैंने मल्टीपल वॉइस चैट्स पे आपको बताया था एंड डेफिनेटली उसके बाद आप क्लियर देख सकते हो एक बहुत बड़ी फॉल्स हमें फॉल देखने को मिली है. एंड आफ्टर दैट अ रेंज कंसोलिडेशन, इस रेंज कंसोलिडेशन के बाद अगेन एक फॉल देखने को मिली है. सो फ्रॉम माई साइड मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी भी ज्यादा वीक है अकॉर्डिंग टू निफ्टी. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट तो है डेफिनेटली. लेट मी जस्ट शो यू द सपोर्ट एज वेल. आप यहाँ चेक कर सकते हैं 34,000 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है. इसके अलावा मैंने वॉइस चैट पे और स्टार्टिंग के बेसिस पे आपको ये भी बोला था कि 34,160 पे अगर आता है तो बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, बट वो आया नहीं और लास्ट आर भी हमें देखने को मिला है. लेट मी ओपन अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉर यू. एग्जैक्टली उसी लेवल पे आया एंड इसी लेवल पे आने के बाद एक बाउंस करा है, बट डोंट वरी यहाँ पर हमें बाय बिल्कुल भी नहीं करना है. मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है देन द नेक्स्ट टारगेट शुड बी 34,000 और मेरे हिसाब से यहाँ से हम लोग एग्जिट कर सकते हैं. वी डोंट हैव टू लॉन्ग होल्ड द एनी इंडेक्स फॉर सो लॉन्ग. हमें जल्दी से प्रॉफिट करना है, स्कैल्पिंग करके हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और हमारे लिए रिस्क भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा कम होगा. एक बार इसका ओपन इंटरेस्ट का डाटा अगर स्टडी करें हम लोग, सो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि लोअर लेवल्स पर अगर हम बात करें इन द मनी पर तो ज़्यादातर तो कॉल या पुट राइटर्स दोनों अनवाइंड कर चुके हैं. अगर हम बात करें आउट ऑफ द मनी की तो सॉरी इन द मनी ही है 34,200. तो यहाँ पर हम लोगों को एक अच्छा पुट राइटर्स देखने को मिल रहा है. इसके अलावा 34,400 पे अच्छा पुट राइटर्स है, बट अगर मैं बात करूँ तो ऊपर जाने में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज है रैदर देन नीचे आने में. नीचे में एक बेस क्रिएट हो सकता है. सो फ्रॉम माई साइड बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी रखते हैं और ऊपर सेल ऑन राइज की करते हैं. यहाँ पर हम लोगों को एक रेंज पता चल गई है, उस रेंज के अंदर ट्रेड करके हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं. इसके अलावा गाइज ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, आप डेफिनेटली मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं. ऑन अ स्टार्टिंग बेसिस ही आई हैव टोल्ड यू एट 919 ये पर्टिकुलर लेवल रेजिस्टेंस बनने वाले हैं एंड आई लीव द मल्टीपल वॉइस नोट्स जिसके थ्रू आप अपनी सारी एनालिसिस को स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव टू आर पर्टिकुलर स्टॉक्स एनालिसिस. सो आर फर्स्ट स्टॉक इज अशियाना हाउसिंग एंड लेट मी ओपन अ डेली टाइम फ्रेम फॉर यू. या सो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम फर्स्ट 30 विद अ वीकली टाइम फ्रेम. ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक एक बहुत अच्छे लेवल पे है और एक अच्छा बाउंस डेफिनेटली दे सकता है. सो लेट मी ओपन अ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बहुत अच्छा सपोर्ट है. इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम एज वेल एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम हियर. बहुत अच्छा अप मूव दी, ब्रेकडाउन करा, दैट ब्रेकडाउन बिकम रेजिस्टेंस. आफ्टर अ ब्रेकआउट इट गिव अ वेरी गुड रीटेस्ट एट दिस पॉइंट और यहाँ से एक वी शेप रिकवरी वी आर एक्सपेक्टिंग. सो डेफिनेटली इट्स ट्रेडिंग एट 145 रुपीज. आई डोंट थिंक ये कल एक ब्रेकआउट देगा, बट आप अपनी वॉच लिस्ट पे इसे डेफिनेटली रख सकते हैं. अगर ये 148 के ऊपर निकलता है तो एक बड़ी मोमेंटम आ सकती है. ये कल भी आ सकता है या परसों भी आ सकता है, तो आप इसे वॉच लिस्ट के अंदर जरूर रखेगा. ये जब भी मोमेंटम आती है आई लेट यू नो ऑन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल. इसके अलावा जो लास्ट स्टॉक है वो पर्टिकुलर स्टॉक का नाम है अमृतंजन. आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक है डेफिनेटली. ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम लेट मी शो यू. आप देख सकते हैं एक राइजिंग चैनल के अंदर ही काम कर रहा है पर्टिकुलर स्टॉक, एक अच्छे लेवल पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है. लेट मी जस्ट शो यू विद दिस पर्टिकुलर ग्राफ. आप यहाँ देख सकते हैं अ वेरी गुड ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड अगेन अ रीटेस्ट और एग्जैक्टली अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है. इफ आई ओपन अ डेली टाइम फ्रेम एंड ऑन अ डेली टाइम फ्रेम इफ आई ओपन अ 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो एज यू कैन सी इट हियर ऑन अ 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस है. बट ऑन 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं कि नीचे हम लोगों को बहुत बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है. अदरवाइज अगर हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक अच्छा सपोर्ट ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम भी देखने को मिल रहा है, जिसे एग्जैक्टली ये रिस्पेक्ट कर रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 साल से रिस्पेक्ट कर रहा है. तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर स्टॉक एक अच्छी अपमूव दे सकता है, इसको अपने वॉच लिस्ट के अंदर जरूर रख सकते हैं. दो स्टॉक्स की ही आज आप बात करेंगे कल. अब याद रखिएगा ये मार्केट एनालिसिस है, मार्केट अभी बंद है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है मार्केट के अंदर. अभी मैंने आपको जो भी अपने सजेशंस बताया है ये सिर्फ अभी के डाटा से बताया है. जब मार्केट ओपन होगी तो डाटा कुछ भी चेंज हो सकता है, बड़ा गैप डाउन हो सकता है, बड़ा गैप अप हो सकता है, साइडवेज रह सकती है.
जब मार्केट ओपन होती है तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे जरूर एक्टिव रहना चाहिए, बिकॉज वहां पर मैं आपको लाइव मार्केट के डाटा के बेसिस पे बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि एग्जैक्टली ऐसा बिल्कुल भी परफॉर्मेंस ना हो, बट अगर आप इसी के बेसिस पे चलोगे और जो मार्केट पे मैं आपको डाटा दे रहा हूँ अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आप मार्केट पे सस्टेन नहीं कर पाओगे। बहुत लर्निंग मिल रही है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, सो मेक श्योर यू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर चैनल। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके कर सकते हो, एज वेल एज सब्सक्राइबर लिंक्डइन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एज वेल। Have a very good day, guys. Meet you soon. Bye-bye.